बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बीबी जान के दस्तरखान से बोल रही हूँ। आज आपको देसी चिकन पकाने का तरीका बताएंगे। इसमें हर चीज़ देसी है और ये निहायत ताकत वाली चीज़ है। अगर आपके चेस्ट में इन्फेक्शन भी हो तो उसको भी ये दूर कर देती है। ये हमने देसी घी डाला, ये देसी घी डाला और सिंपल है, बिल्कुल कोई मुश्किल नहीं है इसमें। मगर ये और ये देसी चिकन है, ये इसकी निशानी ये है कि इसकी टांगें पतली होती हैं, बिल्कुल पतली होती हैं। तो ये बहुत टेस्टी भी होता है, बहुत इसको ज़्यादा देर आप पकाएं ताकि इसकी हड्डियों से भी यखनी निकल आए। तो और ये प्याज है, दो प्याज हैं छोटे, दो टमाटर हैं, ये मिर्चें हैं एक चम्मच, एक चम्मच नमक और ये लहसुन और अदरक, बस ये इसकी नीड है। अब इसमें हम प्याज डाल देंगे, इनको हल्का ब्राउन करेंगे। और ये मिट्टी की हांडी में पक रहा है और ये देर तक पकेगा और उतना ही ये टेस्टी होगा। ये देसी हांडी है, मिट्टी की हांडी है, इसमें ये बिल्कुल इसी तरह पकेगा जैसे कुकर में पकेगा। आप देखें ये प्याज ब्राउन है, बिल्कुल लाइट ब्राउन, इन्हें तेज नहीं करना नहीं तो खाने का रंग जो है ना वो सालन का रंग काला हो जाएगा। ये डाल दिया, अब आपने इसमें चिकन डाल दिया। अब इसमें आपने टमाटर डाल दें जो आप काट के रखे थे, नमक डाल दिया। जब आप इसको भूनेंगे तो थोड़ा सा चख लें तो कोई चीज़ की कमी है। लहसुन, ये अदरक और ये मिर्चें बिल्कुल लाइट रखी है। इसे आपने देसी चिकन बना दें। अब इसमें पानी आपने डाल देना, अब इसमें पानी डाल देना ताकि ये प्याज टमाटर वगैरह गल जाए और फिर अच्छी तरह भून के फिर ज़्यादा पानी डाल दें ताकि ये गल जाए और उसकी यखनी निकल आए, तब ये टेस्ट बनेगा। ये अब इतना पानी पर डालें कि ये प्याज और टमाटर गल जाए और इसको भून दिया जाए, बिल्कुल सिंपल। ये आपका देसी चिकन है। ये दो गिलास पानी डाल, अब इसको पकने दें। ये कम से कम 10-15 मिनट पकेगा, पानी ड्राई हो जाए, भून गया वो, पानी सूख गया, ड्राई हो गया। अब ये देखिए मसाला बिल्कुल बन गया। अब इसमें आपने गलने के लिए पानी डाल देना, ये डाल दिए ताकि ये गल जाए और इसकी अच्छी तरह यखनी निकल आए, जो शोरबा बन जाएगी वो नान से खाएं, चपाती से खाएं, ये बहुत टेस्टी होता है। और दूसरा खांसी को भी दूर करता है, इसमें इतनी ताकत अल्लाह ताला ने दी हुई है। बस अब इसको आधा घंटे के लिए पकने दें ताकि ये गल जाए और यखनी इसकी तैयार हो जाए। बस तैयार है। अब आप इसे ये कम से कम 4-5 घंटे हल्की आग पे पकाएं और आप ये नोश फरमाएं और इसका
मुझे रिस्पांस नहीं।